हम बात कर रहे हैं NMDC की। अगर बात करें आज के दिन की तो हमको 1% तक के अपसाइड के साथ इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले स्टॉक में हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, 200 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था। मार्केट की गिरावट के साथ इसमें बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। स्टॉक 180 के लेवल से बाउंस बैक हुआ होता हुआ हमको नज़र आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक हमको जहाँ रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा था 180 और 190 के बिटवीन, उस लेवल को भी ब्रेकआउट कर चुका है। और स्टॉक ने जब गिरावट आई तो इसी लेवल पर हमको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बाउंस बैक के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक ने हमको ये जो इसका हाई है उसके पास तक 198 तक के हमको टारगेट दिखाए और वहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, लेकिन हमको यहाँ से बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला। स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही इस हाई के आसपास ही हमको क्लोजिंग बताई है। हो सकता है आने वाले दिन में हमको ये इसका जो हाई वो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ जाए। अगर गिरावट आती है तो हमको 190 तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ये इसके यहाँ हमारे लिए एक मौका बन सकता है, यहाँ से स्टॉक हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा गिरावट आती है तो जो इसका रिसेंट एक तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है 180 का लेवल। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। बात करें टारगेट की, इमीडिएट टारगेट रहेगा हम 200 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में NMDC में हमको और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 210 से लेकर हमको 220 तक के टारगेट NMDC में देखने के लिए मिल सकते हैं।